नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। आज कार्यक्रम की शुरुआत हर बार की तरह एक पहेली से करेंगे। हमारी आज की पहेली है कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर वक्त बदलता रहता है। आप सोचिए, इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। फिलहाल रूबरू होते हैं आज की पहेली से। कहते हैं वृंदावन में एक जगह ऐसी है जहां रात में रुकना मना है, और जो भी यहां जबरदस्ती रात में रुका वो अनहोनी का शिकार हो गया। मान्यता है कि ब्रज मंडल के वृंदावन में सूर्यास्त के बाद स्वयं श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ धरती पर अवतरण होता है। वो न सिर्फ निधिवन में आते हैं, गोप गोपियों संग महारास रचाते हैं, बल्कि अपने आने के सबूत भी छोड़ जाते हैं। आखिर निधिवन की ये कैसी पहेली है जहां रात में रंगमहल में कान्हा के रास रचाने का दावा हर किसी की जबान पर मिलता है। रंग महल में चमाजू को, रंग महल में चमाजू को नित्य करत श्रृंगार, हमारो प्यारो कुंज बिहारी हरिदास। ये पहेली है भक्त और भगवान के बीच बंधे आस्था की डोर की। ये पहेली है रंग महल के अंदर होने वाले साक्षात अजूबे की, जो कहती है कि रात भर में यहाँ बंद सात तालों के अंदर साक्षात चमत्कार होता है। आज भी भगवान राज करने के लिए आते हैं। दातुन चबी हुई, लड्डू टूटे हुए, ये आज भी वहाँ पर मिलते हैं। आखिर रात 8 बजे के बाद वहां कोई क्यों नहीं ठहरता? वहां न पुजारी रुकता है, न मंदिर के कर्मचारी, यहां तक कि पशु पक्षी भी अपना ठिकाना बदल देते हैं। 8 बजे के बाद पता नहीं क्यों वहां पे आज बंदर गायब हो जाते हैं। ये बंदर भी आप देख रहे हैं रात को सब बाहर हो जाते हैं। आखिर निधिवन की ये कैसी पहेली है जो कहती है कि वृंदावन के निधिवन में आज भी कान्हा आते हैं, गोप और गोपियों के संग महारास रचाते हैं और अपने होने का एहसास जग को करवाते हैं। रात लीला करी थी भगवान ने, रात में रास लीला होती है आज भी। इसमें तो कोई संशय नहीं कि प्रभु आज भी वृंदावन में नित्य रास करते हैं। कहते हैं कि जिसने भी रात में निधिवन में रुकने की कोशिश की वो अगली सुबह अपना अनुभव साझा करने लायक नहीं बचा। निधिवन में एक और हैरान करने वाला दृश्य हमें दिखाई देता है। आपने और हमने तुलसी के पौधे देखे होंगे, लेकिन निधिवन में विशाल तुलसी के वृक्ष हैं, जो आपस में यूं गुथे हुए हैं जैसे ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। वन में जितने भी वृक्ष लगे हैं सभी को गोपी रूप बोला जाता है। ऐसा मानता है कि रात को जब भगवान रास करते तो वो गोपियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण की सखा और सखियां ही तुलसी वृक्ष हैं, जो रात में गोपियों के वेश में निधिवन में महारास रचाते हैं। आस्था कहती है कि समूचे ब्रज मंडल की रज में मुरली मनोहर समाए हैं। 84 कोस की परिक्रमा श्री कृष्ण लीला के भाव से भरी हुई है। यहाँ इस मिट्टी का ही महत्व है। इस मिट्टी को प्रभु ने अपने मुख में खाया, माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया, और इस मिट्टी में प्रभु आज भी नित्य रास करते हैं। यहाँ लता पता है और ये रज, इसी के लिए आना होता है और इसी में भगवान आज भी नित्य रास करते हैं। ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई संशय कहीं भी कदाच नहीं है।
आपने और हमने गिरिधारी के कान्हा से द्वारकाधीश बनने तक की कथा को जाना है, लेकिन क्या माधव आज भी निधिवन में आते होंगे, अपने आने का सबूत छोड़ जाते होंगे, और क्या वाकई निधिवन के रंग महल में बांसुरी बजैया रास रचाते होंगे, ये जानकर हम भी इस अलौकिक आस्था के दर्शन कर लेना चाहते थे। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर का सफर पूरा करके हम भी पहुंच चुके थे निधिवन, जिसे कान्हा की रासस्थली के तौर पर मान्यता मिली हुई है। लेकिन जब हमने तुलसी के पेड़ों का जोड़ों में जंगल देखा तो हमारी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वृंदावन की ये पहेली तुलसी के साथ जुड़ी हुई है। वृंदावन का मतलब होता है तुलसी के पौधों का वन, और तुलसी का ये जंगल आज भी यहाँ पर मौजूद है और इस निधिवन के नाम से ही जाना जाता है। तुलसी का पौधा आमतौर पर वैसे बहुत छोटा होता है, मतलब बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तुलसी के काफी बड़े बड़े पेड़ मौजूद है, और इनकी खूबी ये है कि ये सभी पेड़ जोड़ों में उगे हुए हैं। कहते हैं कि निधिवन में आज भी लीलाधर लीला दिखाते हैं। हर रात भगवान कृष्ण और राधा रास रचाते हैं, और रास रचाने के बाद यहां बने रंग महल में शयन भी करते हैं। लेकिन इस निधिवन की सबसे बड़ी पहेली जुड़ी है इसके तुलसी के पेड़ों की। जी हां, सही सुना आपने, तुलसी के पेड़। दावा किया जाता है कि निधिवन में ऐसे 16,108 तुलसी के वृक्ष हैं। जोड़ों में तुलसी के ये पेड़ कृष्ण और राधा के प्रतीक माने जाते हैं, जो रात होती ही गोप और गोपियां बन जाते हैं और रास लीला करते हैं। जैसे तुलसी के वृक्ष यहां पर देखने को मिलते हैं, वैसे कहीं और नहीं मिलते। कहते हैं कि निधिवन वो जगह है जहां विक्रम संवत 1575 में जन्मे स्वामी हरिदास ने अपने आराध्य बांके बिहारी की तपस्या की, और संवत 1600 में एक दिन में वो वक्त भी आ गया जब उनकी मुराद पूरी हुई, भगवान राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। इस मंदिर में राधा कृष्ण भी हैं, और कृष्ण की सबसे प्यारी सखी ललिता देवी भी। और जब ये रास के लिए निधिवन में उतरते हैं तो उस दिव्य पल का साक्षी बनने की अनुमति किसी को नहीं होती। कहते हैं वृंदावन के इस निधिवन में हर रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। कहते हैं द्वापर युग में वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थीं। जब गोपियों ने ये इच्छा कृष्ण को बताई तो भगवान ने उनकी ये कामना पूरी करने का वचन दिया। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, इसलिए श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधिवन में गोपियों को मिलने के लिए कहा। शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपियां निधिवन पहुंच गई। उस समय निधिवन में जितनी गोपियां थी श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रास रचाए। मान्यता है कि तभी से ये सभी गोपियां और भगवान कृष्ण के वो अवतार तुलसी के वृक्षों में तब्दील हो गए। स्वामी हरदास जी ने यहाँ पे अपनी तपस्या से बागी भरी को प्रकट किया, जो सब ये गोपियां हैं, जो लता पता है 16,108 गोपियां हैं, ये महाराज ने गोपी का रूप धारण करते हैं।
यहां आज भी रात में भगवान आते हैं, कोई रात भी रुकता नहीं है। ये जितनी भी लता देख रहे हैं ये गोपी का रूप है, सब सूखी है लेकिन फिर भी हरी है। वन में ये खासियत है, वन में जितने भी वृक्ष लगे हैं सभी को गोपी रूप बोला जाता है। सारी वन तुलसी बनी है, वन के अंदर 16,108 गोपियां लगी हैं। यहाँ आज भी भगवान आते हैं, रात को कोई रुकता नहीं है। ये जितनी भी लता पता देख रहे हैं सब गोपी का रूप है, सब सूखी हुई है, हरियाली सब पे मिलेगी। वन में जितने भी वृक्ष लगे हैं सभी को गोपी रूप कहा जाता है। आपको कोई भी पेड़ अकेले नहीं मिलेगा, इन वृक्षों को ही भगवान और गोपियों का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि निधिवन परमेश्वर की लीला का साक्षी बनता आ रहा है। द्वापर युग में शुरू हुई भगवान कृष्ण की यह अनोखी लीला तब से लेकर आज तक लगातार जारी है। भगवान ने वहाँ महारास लीला किया था, 16,108 गोपी के साथ में रास किया था, और जो भगवान यहाँ से गुजरात के लिए जाने लगे तो गोपियां रोने लगी थी, तो उनको आशीर्वाद दिया था कि आप सदा वृंदावन में बास करोगी। तो ऐसी मान्यता है, जो वहाँ पेड़ आपने देखे होंगे तो वो 5,000 वर्ष पुराने, उनको बताया जाता है। वो ऐसा मानता है कि रात को जब भगवान रास करते तो वो गोपियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। निधिवन की तुलसी के पेड़ों में एक अनोखा आकर्षण है। कहते हैं कि वृक्ष ही भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का साक्षात प्रतीक है, जो यहाँ आने वालों को ईश्वरीय अनुभूति से भर देता है। माना यह जाता है कि आधी रात में यहाँ के सारे तुलसी वृक्ष गोपियों का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। निधिवन में दिन में तो लोग आते हैं लेकिन रात होने से पहले ही ये ठिकाना छोड़ देते हैं। इंसान तो इंसान, कहा तो ये भी जाता है कि बेजुबान भी यहां से गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि निधिवन के रंग महल में एक चमत्कार होता है और इस चमत्कार को आधार मिलता है भक्त और भगवान के बीच बंधी आस्था की डोर से, जो कहती है कि कृष्ण ही निधिवन के रंग महल में रोज आते हैं और अपने आने के सबूत छोड़ जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे पहले कि सूरज ढले और चांद खिल जाए, इससे पहले ही निधिवन को छोड़ देने में ही भलाई है। कहते हैं कि दिन डूबने के बाद बाकायदा यहां से चले जाने के लिए आगाह किया जाता है। ये चेतावनी जुड़ी है आस्था से, जो कहती है कि जो यहां रात रुकता है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, किसी को कुछ भी बताने योग्य नहीं बचता। दावा किया जाता है कि जो भी यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करता है वो परमेश्वर के रास में खलल डालता है और उसके होने वाले अंजाम का भुक्तभोगी वो स्वयं होता है। मान्यता ये है कि आज भी भगवान यहाँ रास लीला करते हैं। देखा तो किसी ने नहीं है, देखने वाले किसने देखा किसने नहीं देखा, क्योंकि उनसे किसी का साक्षात्कार भी नहीं हो पाया, क्योंकि बता भी नहीं पाए। भाव है तो ईश्वर है, नहीं तो कुछ भी नहीं ना। तो जो वहां रह गए तो किसी ने वहां समाधि बनी हुई, वहां शेष हो गए या पागल हो जाता है ऐसी, मतलब क्योंकि दिव्य दर्शन के बाद उसको सहेजना बहुत मुश्किल होता है। और हम तो फील करके ही बता सकते हैं कि हमने तो महसूस किया है। वन के अंदर शाम को 7:30 बजे सैनार्थी होती, उसके बाद में कोई भी पक्षी बंदर इंसान इस मंदिर के अंदर नहीं रुकता। अगर कोई रुकता है या तो पागल हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि इंसानों के साथ तो आस्था का नाता है, लेकिन बेजुबानों का शाम होते ही निधिवन से बाहर चले जाना समझ से परे है। आखिर निधिवन की आस्था मंदिरों को भी अपना ठिकाना बदलने के लिए मजबूर क्यों कर देती है? कहते हैं कि अंधेरा होते ही निधिवन में रहने वाले परिंदे भी बाहर चले जाते हैं। इससे पहले कई लोग मर चुके हैं पहले भी,
इन्हीं की आंख चली गई है, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये बंदर भी आप देख रहे हैं रात को सब बाहर हो जाते हैं, 7 बजे के 8 बजे के बाद पता नहीं क्यों वहाँ पे आज बंदर गायब हो जाते हैं। कभी भी जाओ घुंघरू की आवाज आपको सुनाई देने को मिल जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी, कोई भी टेंशन हो आपकी टेंशन गायब हो जाएगी रिजवान के पास सिर्फ बैठने से। निधि वन के आसपास कई घर बने हुए हैं, जिसमें रहने वाले लोग भी अपने घरों की खिड़कियां रात में निधि वन की तरफ नहीं खोलते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि कभी कभी निधि वन से ऐसी खुशबू आती है जो कहीं और से नहीं आती। छत पर हम लोग सोते थे तो एक विशेष प्रकार की सुगंध हमें निधि वन की तरफ से आती सुगंध हमें महसूस होती थी, और ऐसा महसूस होता था कुछ अद्भुत थी, उसको किसी इत्र सेंट से समानता नहीं की जा सकती, वो विशेष ही प्रकार की थी और अब भी यदा कदा कभी आने को मिल जाती है। सुना तो है, हमारे पूर्वजों ने भी बताया है कि जब भी आसपास से निकलेंगे तो वहाँ बांसुरी की, पायल के बाद चूड़ियों की आवाज ये सुनाई देती है। निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य तो यहाँ का रंग महल है, जहाँ पुजारी रात को 7 तालों के अंदर रंग महल को बंद कर देते हैं, कान्हा और राधा रानी को प्रसाद के रूप में भोग अर्पित कर देते हैं। पुजारी दावा करते हैं कि श्रृंगार की जो सामग्री भगवान की सेज में लगाई जाती है वो सुबह इस्तेमाल की हुई मिलती है, जैसे किसी ने यहाँ पर रात में शरण ली हो और अजूबा होते ही अचानक गायब हो जाता है सब कुछ, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा देखा नहीं। दातुन कतरी हुई मिलती है, पान चबाया हुआ मिलता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं और लोटे में रखा पानी पिया हुआ। श्रृंगार घर में हम सब सामान रखते हैं, कुछ ना कुछ बिखरा हुआ जरूर मिलता है रोजीना। भगवान अपना श्रृंगार करते हैं और रासलीला करते हैं। वन के अंदर आज भी प्रसाद जो रखे जाते हैं, 4 दातून, 4 पान, 4 लड्डू, लोटे में जल, राधा रानी का पूरा 16 सिंगार। 5:30 बजे मंगला आरती होती है, दातुन चवा मिलेगा, पान खवा मिलेगा, लड्डू खवा मिलेगा, श्रृंगार बैठ पे बिखरा हुआ। वो 8 बजे के बाद सभी को वहाँ बाहर जाने के लिए एक आवाज दे दी जाती है और ठाकुर जी का शयन की सेज ला के दातुन और लड्डू और ये सब दिखा के सबको रख दिए जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह जब मंगला होती है तो जब 5 बजे जब वो खुलता है, दातुन चबी हुई, लड्डू टूटे हुए, ये आज भी वहां पर मिलते हैं। निधिवन में कुछ भी बेजान नहीं है। कहते हैं कि रात में बांके बिहारी जब राधा रानी के साथ रास रचाते हैं तो यहाँ फैली लताएं गोपिकाओं में बदल जाती हैं, लेकिन भगवान की ये रास लीला देखने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। कहते हैं इसके लिए भक्ति में भाव चाहिए, परमेश्वर में विलीन होना का भाव, परमेश्वर में लीन होने का भाव भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसमें खोकर ही विधाता की दिव्य छवि नजर आती है। हम भी निधिवन की पहेली को लोगों की आस्था के साथ ही छोड़ देते हैं। वृंदावन के निधिवन से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के महाराज से जुड़ी ये पहेली वाकई अनोखी थी। हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में एक पहेली पूछी थी जिसका जवाब उम्मीद है कि आपने ढूंढ लिया होगा। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर वक्त बदलता रहता है? तो इसका जवाब है टाइम, यानी कि वक्त। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।